पानी मिला? बहुत खुशी है कि इतनी सारी फिल्में सब अच्छी हैं, जिसमें से मेरी भी है इस साल, और आई लुक फॉरवर्ड कि एक अच्छी इवनिंग हो एंड सलमान गेट्स लॉट्स ऑफ अवार्ड्स। नहीं, एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि अभी सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और 100% एक्शन नहीं है, क्योंकि एक्शन बनाऊंगा नहीं मैं, पता नहीं कहाँ से ये रूमर आया है, बट डेफिनेटली आई विल मेक विद सलमान। या बिल्कुल, आई एम हैप्पी बिकॉज शुरू से मुझे मालूम था कि एक फैमिली फिल्म है और आई न्यू आई एम केटरिंग टू एन ऑडियंस विच इज़ बेसिकली फैमिली, और एक बहुत इच्छा थी कि सलमान के साथ एक ऐसी फिल्म बनाए जहाँ फुल परिवार एक साथ देखे। सो दिस इज़ माई बिगेस्ट सक्सेस टिल डेट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लोगों को पसंद आई है एंड हाँ बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि इतनी कहानियाँ हैं, इतने किरदार हैं, बट कहीं ना कहीं मेरी रुचि हमेशा फैमिली को लेकर रहती है, क्योंकि इतनी कहानियाँ बाकी है कहने को, ये ज़रूरी नहीं कि जॉइंट फैमिली हो सब, बट इवन एज अ न्यूक्लियर फैमिली इतनी कहानियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि फैमिली का जोन कंटिन्यू रहे एंड आई वॉन्ट टू मेक मोर एंड मोर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ फॉर माय फिल्म दम लगा के हईशा अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यू नो जी इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग अवार्ड एंड इन टर्म्स ऑफ फेयर प्ले इट्स बीन लेजेंडरी। मेरा पहला अवार्ड था मैं हूँ ना, उससे पहले शायद अकेले हम अकेले तुम, आई थिंक अकेले हम अकेले तो वॉज 1996 एंड देन 2005 वॉज मैं हूँ ना। अब आज इतने मुझे लगता 10 साल बाद मुझे नॉमिनेट किया है, आई बी नॉमिनेटेड बिफोर, बट अब देखो क्या होता है। एंड आई हैव कॉम्पिटिशन इन बाजीराव मस्तानी विच इज़ फैंटास्टिक म्यूजिक, रॉय विच इज़ अगेन वेरी गुड म्यूजिक, देर इज़ तमाशा विद ए आर रहमान विच इज़ फैंटास्टिक म्यूजिक, सो मैं भी उनमें से हूँ और मे द बेस्ट विन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ फिल्म। कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिकली टफ, देखो क्या होता है। मेरा गाना जो बहुत लोकप्रिय हुआ है वो है मोमो के धागे एंड दर्द करारा
एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड. आप लोग दुआ करो मेरे लिए, इसलिए मैं गा रहा हूँ, अभी गुनगुना रहा हूँ. क्या पता गाने गुनगुनाने से कुछ हो जाए. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे. दिस इज फ्रॉम वायर फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा साहब, दम लगा के हईशा, डायरेक्टेड बाय शरद कटारिया, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम हियर. आने दो. सब अंदर जाओ ना. जी मैं आज रेड कार्पेट होस्ट कर रहा हूँ एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर. जी सेट अवार्ड्स है, जी का अवार्ड्स है. सो जी इज़ लाइक अ फैमिली नाउ एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स. सो वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. देखिए आज अवार्ड्स का पता नहीं, आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द परफॉर्मेंसेज. बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं आज. रणवीर इज परफॉर्मिंग, सोनाक्षी इज परफॉर्मिंग, आई बिलीव अनिल कपूर इज परफॉर्मिंग, करण जौहर एंड शाहिदा होस्टिंग, सो दैट शुड बी ग्रेट. बहुत कुछ है देखने के लिए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट्स गोना हैपन टुनाइट. हाँ जी देखिए फिलहाल तो टेलीविजन पे कुछ नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली वॉइस सीजन 2 आ रहा है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. वॉइस का जो सीजन 1 था, जो जी के ही सिस्टर कंसर्न चैनल पे था, एंड पर था, तो बहुत अच्छा था. सो सीजन 2 शुड बी गुड. जी आई थिंक आजकल जितने भी सीरियल्स बन रहे हैं बड़े सांप और नागिनों के साथ बन रहे हैं, तो फिलहाल देयर इज नथिंग दैट आई वांट टू डू, बट मे बी इन ड्यू टाइम. Women will be working and the men? देखिए एक वक्त था जब सारी वेमेन लड़ती थी वेमेन एम्पावरमेंट के लिए. आई थिंक द जो जमाना है वो बदल रहा है. आई थिंक द मैन आर फाइटिंग फॉर ऑल द कम्फर्ट एंड द लग्जरीज नाउ, विच इज प्रीटी कूल. देखा आई बिलीव आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो बहुत ही क्यूट ट्रेलर है ऑफ अर्जुन कपूर एंड करीना. आई थिंक इट्स गोना बी अ रियली कूल फिल्म. सो अच्छा यार, आई थिंक हाई टाइम दैट जितने भी लड़के हैं, जितने भी हस्बैंड्स हैं, दे कैन टेक अ बैक सीट एंड हैव अ गुड टाइम. और जितने भी औरतें हैं, दे शुड मेक द मनी एंड यू नो द हस्बैंड शुड जस्ट लुक प्रीटी एंड चिल. हाँ जी कितना मजा आएगा ना यार, अगर ऐसा हो जाए कि मतलब घर पे बैठा हूँ पूरे दिन और कुछ नहीं करने के लिए. आई थिंक आई वुड जस्ट चिल आउट एंड लुक प्रीटी, आईड कुक अ नाइस मील, आई एम अ गुड कुक, तो मैं वो कर लेता. आईड वेट माय ब्यूटीफुल वाइफ कम होम. बट अदर देन जोक्स अबाउट, ऑनेस्टली आई थिंक यू नो आई एंजॉय वर्किंग, सो इट्स नॉट अबाउट द मनी, बट यू एंजॉय वर्किंग, सो यू वांट टू वर्क. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
फ्रॉम CNN IBN. He's from Sonia Sharma. Well, मेरे तीन students हैं, सोनाक्षी, शाहिद और सुशांत. मेरे तीन students हैं और ये यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा है, तो आई एम एक्सट्रीमली नर्वस एंड एक्साइटेड. और मेरे रणवीर वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मर्स भी है, एंड अनिल क्या बोलूँ मैं उसका, लेजेंड. यस, बट आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा काम है, एजुकेशन भी मेरा काम है, तो मुझे बहुत खुशी लगती है. Yes, I think, who is it? Yeah, she's the best. Deepika is absolutely fantastic. Deepika, Alia, good dancers, must say. Men, Sushant is superb. Varun, also my student, so I'm very happy. No, I'm not directing the film, thank you, maaf kijiye mujhe, thank you. जगह जासूस. Oops. Well, actually, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जगह जासूस, अनुराग बासु के साथ और रणबीर कपूर और कटरीना. What kind of choreography? I think शामक स्टाइल वो छापा है ना, वो ही है इंडो कंटेम्प्री स्टाइल. Okay, thank you. बिना शक के. थैंक यू, आपकी दुआएं बस रहनी चाहिए. थैंक यू सो मच. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, एंड आई थिंक द ईयर काइंड ऑफ एंडेड ऑन बाजीराव मस्तानी, एंड उसके तीनों गाने नॉमिनेट हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दिस हैज़ बीन अ स्पेक्टेकुलर, यू नो, आई सेड रिच म्यूजिक का साल रहा है, सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू सो मच, बट आई फील रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड बाय द नॉमिनेशंस, क्योंकि कभी बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि सेम फिल्म के तीनों गाने या सब गाने नॉमिनेट हुए हो, ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ, सो आई एम रियली हैप्पी. दीवानी मस्तानी डेफिनेटली. हो मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, ते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई. थैंक यू. Could you just louder? आई थिंक इस साल बहुत खूबसूरत गाने आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें आई हैं. मेरे साथ जो और भी नॉमिनेशन है उसमें मोनाली का गाना है मोह मोह के धागे, मुझे बहुत पसंद है वो गाना. आई रियली एक्चुअली डोंट नो विच आर द अदर सॉन्ग विच हैव बीन नॉमिनेटेड, ये मुझे पता है. आई थिंक दिस ईयर हैज़ बीन अ ईयर ऑफ सोलफुल म्यूजिक, बहुत अच्छे गाने, अच्छी आवाज़ें आई हैं, सो ऑल माई बेस्ट विशेज टू एवरी वन. थैंक यू. Absolutely, yes. Recently Valentine's Day पे मेरा song हो गई है मोहब्बत, उसका reprise version release हुआ था. It's done very well, और मुझे गाने का नाम है हो गई है मोहब्बत, एंड बहुत मोहब्बत मिली है सबसे. और recently I performed at the काला घोड़ा फेस्टिवल. I really had a lovely time performing there. Thank you so much. Thank you. नमस्कार. किसको है अवार्ड? थैंक यू वेरी मच. होपफुली बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या है, मायने इसलिए रखता है कि किसी भी किसी को हौसला मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, पीपल गेट इंस्पायर्ड.
अरे वेरी गुड, वापस आ रहे वो नए चैनल पे शो लेके आ रहे हैं, तो वी ऑल वी विश ऑल द बेस्ट टू कपिल, तो ऐसा ही सुपर हिट चलता रहे उनका शो। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, थैंक यू सर। यस ऑल राइट। हाय गुड इवनिंग। पता नहीं मैं तो ऐसे पहनती हूँ नहीं, शायद आपने पहली बार देखा मुझे एक्सपेरिमेंट करते, बट आई एम ऑलवेज इन डिफरेंट अवतार्स इन माय लाइफ। या अगर मुझे पता तो क्या बात, नहीं आई डोंट नो दैट। नॉमिनेशन मिला है, खुश हूँ। आई हैव जस्ट कम टू एक्सपीरियंस दिस वंडरफुल गॉर्जियस ग्लैमरस नाइट एंड इट्स गोना बी अ ग्लैमरस नाइट। श्योर वाई नॉट। तू हो गया जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने कहा सब सुना। तू हो गया जरा पागल, तूने मुझको है चुना। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में गाया आपके लिए लिटरली। थैंक यू सो मच। आई होप सो, जो मूवीज आए उसके बाद एक किया था, बट आई डोंट नो व्हेन इट्स रिलीजिंग, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, बट आई होप दैट आई डू गेट अ गुड मूवी। या हर चीज़ में क्यों नहीं, अगर आता है तो क्यों नहीं, और द सही टाइम पे आई एम श्योर दैट बोथ विल गेट इक्वली एंड नाइसली बैलेंस्ड। आई आई सॉ इट्स हर ओनली। यस व्हाई नॉट। That's a good question. फिलहाल मैं अभी यहाँ पे हूँ and I'm very happy to be here. A very good time. I think it's going to be very entertaining. So that's what I'm looking forward to. जी हाँ, जी हाँ. This is my film Zero, Rohit Bakshi, and he's done an incredible job. So you'll see a lot more of him and. It's a musical love story and I don't want to tell you much about it. I want you to see it. No, not at all. I have just produced it. Yes. Vineet Sharma is the director and Mahesh Nair, they've directed it. And this is Rohit. So ask him whatever you want to. काफी किया है टेलीविजन में, काफी काम। नहीं मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ, अगर दोनों जगह मैनेज हो सकता है तो डेफिनेटली मैं टेलीविजन अभी भी कर रहा हूँ, इस वक्त भी कर रहा हूँ। बट हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिल्म करे, तो मेरे लिए पहला मौका है। इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी, इट्स कॉल्ड जोगिया रॉक्स एंड एंड इज गोइंग टू रॉक। तो अब देखते हैं आगे क्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। हेलो, नमस्ते। क्वेश्चन जी, उम्मीद तो हरे मिलने पे खुशी भी होती है, तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वेटिंग फॉर सम एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, also waiting for my hair to grow out, kyunki I had gone bald for the film, so now I'm also waiting for my hair to grow out. Oh, it's a fabulous film. I don't think I'm in any position to talk about her work, and she's a legend, so but she's fantastic in the film. Thank you. Thank you.
जी बहुत खूबसूरत शाम लग रही है, अलग वेन्यू है और नॉमिनेटेड हो तो और खुशी होती है. सो अच्छा लग रहा है, बहुत सारे नामचीन कलाकारों के साथ नॉमिनेशन है बदलापुर का और इस साल तो बहुत खूबसूरत फिल्में आई हैं. सो मे द बेस्ट वन विन एंड मे द लकीस्ट वन विन. बदलापुर के लिए नॉमिनेट हुई हूँ और एक सटल परफॉर्मेंस थी तो मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि उसे एक अच्छा नॉमिनेशन मिला जी. नवाज़ मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं और बदलापुर के दौरान बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. बहुत इम्प्रोवाइज़ करते हैं, बहुत कुछ ऐड करते हैं. तो अब नई फिल्म आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू के हम कुछ भी क्रिएट सम मैजिक क्या. आई डोंट थिंक आई कैन टॉक अबाउट. I'm here because I do believe in them. It takes a long time to get ready and get into these gowns. It took me 2 hours today. I wouldn't be here if I didn't believe in them. I think it's beautiful that you come together, honor actors and film fraternity come together, and I think it's a beautiful way of remembering one last year. I'm reading a few scripts. I really like this one script which I'm going to do. Hopefully this year will be a wonderful year. When I do really sign something, obviously you all will know. Huh? I don't know. Let's wait and watch. Thank you. इस बार बहुत ही मज़ेदार परफॉर्मेंस है. एक्चुअली हर बार होता है बट इस बार और भी है क्योंकि पिछले साल के जो सारे हिट गाने थे उन पर मैं परफॉर्म कर रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. बस
वेरी एक्साइटेड. आई थिंक जी सिने अवार्ड्स मेरे ख्याल से हैज़ बीन वेरी वेरी फेयर ओवर ऑल द ईयर्स एंड दे हैव बीन वेरी वेरी स्पेशल एंड टू मी एज वेल बिकॉज आई वन माई डेब्यू अवार्ड हियर. आई वन माई अवार्ड फॉर क्रिटिक्स फॉर लुटेरा ओवर हियर एंड सो दे आर वेरी स्पेशल एंड आई फील वेरी वेरी फेयर. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव नॉमिनेटेड द पीपल दैट दे हैव नॉमिनेटेड एंड आई एम श्योर दैट द बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस एंड एवरीबडी हु इज द बेस्ट इन देयर फील्ड विल विन. कोशिश जारी है कि मैं अपने अगले सिंगल को जल्द से जल्द आपके पास लाऊं. बट राइट नाउ आई एम जस्ट बिजी इन चूजिंग माय सॉन्ग एंड हु आई वांट टू कोलैबोरेट विद नेक्स्ट. तो वो सब प्रोसेस चल रहा है. डोंट वरी, आई विल कम आउट विद समथिंग सून. आई एम डन शूटिंग विद अकीरा. द पोस्ट प्रोडक्शन वर्क इज ऑन एंड नाउ दे गोइंग टू स्टार्ट द मार्केटिंग ऑफ द फिल्म वेरी वेरी सून. I'm very happy over here and I'm doing some it actually depends on the role. I feel so far except for Priyanka, not many people have managed to break out into the best in a big way because I don't feel that they write very great roles for Indian actors. But then again, having said that, Priyanka they've done that with and has broken like all the barriers and I think she's doing fantastic. Yeah. Thank you. Where's Sohail? What? Ask no then? Of course. I'm very, very happy and I'm very proud of my father because to me he's actually always been a very, very honest man and I love the way that he's honest about everything. वो देखते नहीं है कि सामने कौन है, किसके बारे में बोल रहे हैं, जो सच होता है, जो सही होता है वो हमेशा वही बोलते हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज रिटन अ वेरी वेरी ऑनेस्ट बुक. ऑल्दो आई हैव रेड हाफ ऑफ इट, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. व्हाटएवर आई हैव रेड सो फार हैज बीन वेरी वेरी गुड. हाँ, बहुत चीज़ें मुझसे भी पूछी गई थी फॉर द बायोग्राफी एंड जितना पूछा था वो मैंने बताया. एज इन व्हाट काइंड ऑफ अ फादर ही इज, हाउ यू नो ही यूज्ड टू बी विद अस व्हेन वी वर किड्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो लॉट ऑफ लिटिल एनेक्डोट्स आर देयर फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द एंटायर फैमिली एक्चुअली. थैंक यू. फ्रॉम बजट, आई वॉन्ट माई बजट टू बी बिग. हमारा गाना कल लॉन्च हो रहा है और मैं यही गाना आज परफॉर्म कर रहा हूँ. उसमें मैं हील्स पहन के नाचा हूँ करीना के साथ. गाने का नाम है हाई हील्स. तो मैंने सोचा कि नेक काम में देरी कैसी, आप सब यहाँ पे हो, नॉर्मली हम आपको बुलाते हैं, आज आप सब शामिल हो ऑलरेडी, तो मैंने कहा दिखा देता हूँ अपना एक अलग स्टाइल. जी जी
यार देखिए आजकल क्या हो गया ना, सब चीज़ को अच्छा रिस्पांस मिलता है, थिएटर में रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए, तो आई वांट टू कीप माय फिंगर्स क्रॉस टिल देन। आई एम हैप्पी दैट पीपल आर एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक टुडेज ऑडियंस इज एक्साइटेड टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स, सो आई होप दिस ऑल्सो एंड्स अप बीइंग वन ऑफ दोज दैट पीपल टू कम आउट एंड वॉच। जी ये सोच के साथ नहीं किया था, लेकिन अब ऐसे लोग काफ़ी कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी गट्सी मूव, सो आई डोंट थिंक इट्स ओनली दैट। आई थिंक जब एक डायरेक्टर हो जो आप पे कोई काबिलियत देखे, मैंने अपने आप को कभी इस तरीके से देखा नहीं था, हमेशा बताया गया कि भाई दाढ़ी है, मर्दाना हो, मारपीट करो, आप पहली पिक्चर मेरी देख चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक सॉफ्टनेस है जो बाल्की सर शायद देख पाए। आई एम समबडी हु इट वॉज वेरी क्लोज माई मॉम ऑल्सो, सो आई थिंक दैट अपील टू मी वन आई हर्ड अबाउट द मटीरियल। तो छोटी छोटी चीज़ें होती, आई नेवर सॉ इट एज अ इमेज ब्रेकिंग मूव, इट जस्ट नाउ सीम्स टू बी बिकॉज यू गाइस हैव अप्रिशिएटेड इट, तो ऐसे लगता है थोड़ा सा। कितने कंफर्टेबल है यार, मैं तेरे लिए नाच भी सकता हूँ, ये ले। आई लर्न हाउ टू डांस इन देम फॉर द सॉन्ग, तो आई रिहर्स फॉर 6-7 डेज, सो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद देम, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डांस। जी मैं उनसे मिल नहीं पाया अभी तक, तो होपफुली आप लोग इजाजत देंगे तो मैं जाके मिल लूंगा उनसे। चलिए सी यू गाइस। जितना माँ को होना चाहिए, वेल देयर्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली, एंड लॉट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस एंड मच मोर एडवांस्ड यू नो शोज दिस टाइम, या पॉलिटिक्स मैं नहीं, मेरे पति करते हैं। क्या हाल चाल भाई, थैंक यू। ऊपर वाले पे छोड़ रखा है सब, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग वी मेक आवर सॉन्ग्स एंड लीव इट ऑन हिम। असली अवार्ड हमको मिल जाता है जब गाना हिट होता है, जब सबको पसंद आ जाता है, और ये उसका उसके ऊपर एक चेरी ऑन द केक है, तो हम इंजॉय करने आते हैं इवनिंग्स, बाकी तो रब के हाथ में। मीडिया से प्यार मिलता रहे, पब्लिक से प्यार मिलता रहे, दैट्स आवर बिगेस्ट अवार्ड। नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं होता तो मायूसी होती है, इसलिए हम नॉर्मल रहते हैं और हम रेडी रहते हैं कभी भी, जब कोई हमें बोले तो हम अपना गाना आपको गा के सुना देते हैं। लास्ट ईयर बेबी डॉल भी इतना ही फेमस था, तो कुछ में मिला कुछ में नहीं मिला, सो लेट्स सी, लेट्स कीपिंग अप। वी बीन लकी, अभी तक सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेट्स सी व्हाट है। कियन का आ रही है, कल गाना रिलीज हो रहा है हाई हील्स, जो हनी सिंह का था उसको हमने दोबारा बनाया है, सो आई होप यू गाइस लाइक इट, इट्स अ वेरी कूल सॉन्ग। इट्स हनी सिंह इज कमिंग बैक विद मीत ब्रोस, एंड कियन का में हमारा हाई हील गाना है, जो कि हनी सिंह के साथ हिज कम बैक सॉन्ग विद अस, तो कल रिलीज हो रहा है वो, उसमें अर्जुन कपूर करीना कपूर है, सो लेट्स सी। और उसमें एक रैप है जो अर्जुन कपूर ने किया हमारे गाने में, उस सेकंड सॉन्ग जो है मुंडा। हाई हील्स ते नचे ता तो बड़ी जचे, हाई हील्स ते नचे ता ओ बड़ी नचे, बाकी कल गाना सुनेगा यूट्यूब पे, थैंक यू वेरी मच। बजट भाई अभी तो वी हैव बीन बिजी विद अवार्ड्स, बट वी ओनली एक्सपेक्ट कि इट हैज टू बी, इट हैज टू सूट द कॉमन मैन एंड बैलेंस विद द ऑल क्लास ऑफ पीपल, सो इट हैज टू बी द राइट बजट विद द बेसिक लिविंग शुड बी वेरी वेरी अफोर्डेबल। वी हैव अ फीलिंग इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंस्ड वन, क्योंकि पिछले दो साल जो नई सरकार ने जो भी देखा है कि जो स्थितियां हुई हैं उसके हिसाब से आई एम श्योर दिल कम अप विद अ गुड बजट दिस ईयर। Great.
This year, 2016, even I'm waiting to see myself on screen. Sorry? 80-90 pure so. Well, I play a spiritual leader, and it's a nice, a very different kind of cliche hota hai, different kind, but it is different. And nowadays, the industry is seeing a good phase where all unique scripts are being appreciated. So, sorry. अच्छी expectations है, of course. We every time budget जब होता है, we always hope कि हमारी country की economy better हो, and helps the infrastructure. Thank you so much. आते ना बस ओके नथिंग एव था आई डोंट नो दैट मस्ट बी न्यूज़ यू नो आई एम आल्सो इक्वली अनअवेयर अबाउट दैट नमस्कार I feel nice, happy, but whole credit goes to my director. So I must say thanks to him and thanks to everybody. It depends on director's caliber. When he's not capable, then I interfere then. Frankly speaking, I don't believe in it. Okay? Love you. I don't know. I'm absolutely ignorant about it. But eventually, all of us, we are working for same purpose. Reason is same, so it doesn't make any difference. Okay? अरे यार अनाड़ी आदमी को गलत सवाल कर रहे हो तुम बजट के बारे में मेरे को क्या जितना देना है हम दे देते हैं हमको कुछ नहीं समझता इसमें उतनी अकल होती तो हम कहीं गए होते ना गरीबों के लिए अच्छा होना चाहिए बाकी कुछ नहीं Well, it's about people acknowledging your work. So the results are not really important for me, but just that it's been seen and people are enough. It's interesting. Some of your songs have become chartbusters. We would want you to sing one of your favorite songs from last year. Why? Okay, the one I'm getting nominated for best playback is Ye moh moh ke dhage teri ungliyon se ja uljhe koi toh toh na lage. किस तरह गे हाये सुलझे टुडे ओनली वन ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली कॉल्ड तितली गॉट रिलीज फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड बॉलीवुड डायरीज ब्यूटीफुल सॉन्ग सो या थैंक यू सर Thank you.
Tell me, right? Awards? Very important. You know, you have a chance to get ready like this, and then you perform on stage, and then you get paid for it, so yeah. Yeah, I mean, like, probably I think that every child in this country either wants to be a cricketer or a hero in a Bollywood industry, yes. And of course, and Gauchi's like her. But yes, I think I'm very fortunate that last 1 year I've been investing my time in like intricacies of cricket, and now acting doesn't happen next year, probably I'll play IPL or something. Good. Thanks for reminding me that. So yes, probably by the end of this year. Yes. Like a final destination wedding. Yeah. Final destination. Nothing. क्या बोलूँ मैं? आप पूछिए पर बोलिए मैं. अभी किया नहीं, अभी करने वाले हैं. Very soon. She performs all the time for me. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा. हाँ बिल्कुल. Power couple? Yeah, I've been like spending time in a gym lately. So yeah, it's all powerful. बजट से तो सबको बहुत हाई ग्रेट एक्सपेक्टेशंस होता है, लेकिन देखते हैं. Thank you. Good evening. Namaskar. हाँ जी. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि मैंने कहा था जब मैं स्क्रीनिंग पर गया था कि जनता बताएगी इस फिल्म के बारे में, और जनता ने बताई दिया कि उन्हें ये फिल्म बहुत ही पसंद आ रही है. और इसका जो रिएक्शन है, मैंने बहुत कम ऐसा रिएक्शन देखा है किसी फिल्म के लिए, और मुझे बहुत खुशी है. और मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे पूरे परिवार में एक देयर इज़ अ इमोशनल रिएक्शन, और हमें ऐसा लगता है कि ये फिल्म नीरजा जो फिल्म है, कहीं ना कहीं इट हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय नीरजा हरसेल्फ. कहाँ मुझे ऐसा लगता है उसका जो नीरजा मनोट रियली एक्चुअली डिजर्व, एंड वॉट एवर इज हैपनिंग टू द फिल्म आई फील इज बिकॉज ऑफ हर. अरे सोनम तो मेरे घर पे रहती है, तो सोनम से तो रोज ही बात. नहीं, इतने बिजी नहीं रहता मैं सोनम, और अपने परिवार के लिए हमेशा फ्री. हाँ जी. मैं एक वरुण का गाना कर रहा हूँ, एक रणवीर सिंह का गाना कर रहा हूँ, और अर्जुन का गाना कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत अपना एक गाना भी कर रहा हूँ. सर अर्जुन की बात की है तो आज वो रेड कार्पेट पे चले, हील्स मैन क्या है, आलिया क्या कहना चाहेंगे? वाकई अरे अर्जुन कुछ भी कर सकता है. हाँ जी. अच्छा. नहीं बट मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत पसंद आया. वेल आई थिंक इसी क्या है कि बड़े से बड़ा कलाकार हो, पूरे दुनिया में कोई बड़ा कलाकार हो, ही एंड शी हैज़ टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन लर्निंग. ही माइंड बी द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड बट ही हैज़ टू कीप ऑन लर्निंग. सो सेम इज विद सोनम, नो मैटर हाउ मच प्रेज शी गेट्स फॉर हर परफॉर्मेंस एंड वॉट एवर एनीबडी सेज, शी स्टिल हैज़ टू इम्प्रूव मोर एंड मोर. दिस इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज आई थिंक एन एक्टर इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट. और एक्टिंग एक दरिया है, एक ओशन है, तो उसमें कभी आदमी पूरी तरह सीख नहीं सकता, उसको हमेशा सीखना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए. दिस इज माई फीलिंग. थैंक यू.
need. Hey, hi, hi. Sorry? Actually, बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि जो मेरा last show था जी के साथ था और बहुत सारे friends यहाँ पे मिलने वाले हैं तो of course बहुत excited है. राइट नाउ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. जिस वक्त आप कुछ कर नहीं रहे होते हो तो उस टाइम पे आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हो. तो आई थिंक दिस इज द सीक्रेट दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई सेल्फ. अच्छा ना ये चिल क्या क्या वापस खुल के बताइए. मेरा ब्रेक नहीं वाइस इन दिनों ब्रेक पे नहीं है. वैसे ब्रेक पे है सिर्फ टू वर्क ऑन माई सेल्फ वर्क ऑन माई इम्प्रूवमेंट. बिल्कुल गुरमीत नहीं चाहते कि मैं ब्रेक पे रहूं. गुरमीत उल्टा चाहते हैं कि तुम जाओ काम करो तुम घर पे क्यों बैठी हो. जब ये शूट नहीं जब ये शूट नहीं कर रही होती है तो मेरे साथ किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट जिमनास्टिक सब ये कर रही होती तो इसलिए वेट लॉस हो गया. जवाब दो क्यों वेट लूज हो रहा है. अरे लोग यहाँ पे लोग चाहते हैं कि वेट लूज हो एंड आई वांटेड टू लुक बेटर. और जब छोटी थी बहुत सारा बेबी फैट था और तब लगती थी बहुत बड़ी. तो बड़े हो जाने के बाद मैंने वेट लूज करके अब लगती हूँ मैं छोटी. बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है. अभी ऐसे कुछ फैमिली प्लानिंग अभी कुछ हुआ नहीं है या कुछ प्लान कोशिश नहीं की. वेल आई थिंक हमारी शुरुआत रामायण से हुई थी तो इससे बड़ी जोड़ी क्या हो सकती है. राम और सीता की वहाँ से शुरुआत हुई है और कोशिश यही करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार दें बहुत सारा. और सारे पावर कपल्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि शादी कर ले हमारी तरह. वेल अभी पैचवर्क बचा हुआ है कुछ सॉन्ग्स बचे हुए हैं. मार्च फर्स्ट वीक से मैं फ्लोर पे जा रहा हूँ. फिर से गेरुआ हो गया. गेरुआ पूरा खत्म हो गया. अभी तो शायद निर्जा अच्छा, करना चाहिए. हाँ कि बंदूक निकाल के. Yeah.
Hi, good evening. Dapper, thank you. हाँ यार, my team didn't allow me. मैं तो कूदने के चक्कर में था. वो क्या है ना, बहुत अर्जे के बाद मैं एक इतने बड़े क्राउड से मिल रहा हूँ और तो इतना प्यार बरसा रहे थे. मैंने सोचा मैं कूद जाऊँ यार उनके अंदर. हर किसी को मुझे झप्पी पानी थी तो मैं तो उतावला हो रहा था कि मैं कूद जाऊँ. जैसे करते ना वो कूद जाते हैं फिर वो. हाँ वैसे ही मैं उस चक्कर में था, लेकिन बहुत लोग थे जो मेरे को पकड़ पकड़ के रोक रहे थे तो हुआ नहीं, लेकिन मैं करूँगा, कभी तो करूँगा. हाँ वो उनकी मैस्कुलिनिटी तो माशाल्लाह है. आप देखना आज रात के शो में क्या होगा. वो सीक्रेट है, सीक्रेट बात है. कुछ प्लानिंग की है अर्जुन साहब ने, की है इनका के प्रमोशन के लिए. तो आज रात थोड़ा बहुत करेंगे और होपफुली ऑनलाइन कुछ डालेंगे तो लोगों को होपफुली मज़ा आएगा. पिक्चर का ट्रेलर बहुत बढ़िया है. आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हाँ जी, वो आए थे मेरे वैन में अपना आउटफिट दिखाने के लिए. यहाँ तक वो एकदम मर्दाने लग रहे थे और वहाँ से तो मैंने कहा यार तुम्हारी कॉन्फिडेंस तो मतलब अलग लेवल पर चल रही है भैया. और ही इज़ लुकिंग गुड आई हैव टू से. और उनके पैर इतने बड़े हैं कि उनके लिए कस्टम बनाना पड़ा. बाबा तो छा रहे हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. इट्स अ क्रैकिंग ट्रेलर एंड आई होप हिज फिल्म डज वेल. जस्ट व्हाट अबाउट दिस बॉलीवुड बिगी. प्रनीति ये वही है. प्रनीति
जिन्हें मैंने टीवी पे देखा था। आप कब निकली जेल से? बॉट बॉट वाई अच्छा पूछिए ना।